हेलो हाय एवरीवन, स्पार्क टू वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। यहाँ पे एक ये जो फ्लो देखने को मिली, ऐसे भी थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे जो फ्लो देखते हुए मिली है, मतलब अचानक से इतनी गजब की तेजी, ये क्यों तेजी आई है इसके बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ से जो हम लोग ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज नापे तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.50 तक ऊपर रहते हुए दिखी है। फिर उसके बाद अचानक से जो ये तेजी देखने को मिला, तो जिसके चलते हमें ऑलमोस्ट 1.79% तक का फ्लक्चुएशन देखने को मिल गया है। मतलब डायरेक्टली एक अच्छा जंप देखने को मिली और वो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाया हुआ तो वो ऑफकोर्स माला माल हो गए होंगे, उनके पैसे तो बहुत ही अच्छे खासे बनते हुए दिखे होंगे। ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आप तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कुछ भी डाउट हो तो उसके रिगार्डिंग में बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते अब इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। यहाँ पे डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी होते हुए दिखिए 29.70, कोई खास नहीं है। मतलब उतनी मैं कोई खास नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे जो एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, फर्स्ट ईयर पे देख सकते क्या गजब की रेंज मेंटेन की है बैंकिंग सेक्टर में। बैंक ऑफ बड़ौदा कितनी मस्त रेंज है, 83 तक जाते हुए दिखिए, 83% आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। और अगर लॉन्ग टर्म के होल्डिंग्स के हिसाब से आप बात करें, फिक्स डिपॉजिट चाहे सेविंग्स अकाउंट खोलने से अच्छा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में शेयर्स लेने अच्छा था। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पैसा डबल ही होते हुए दिखा है एक तरीके से बात करें तो, मतलब बहुत ही अच्छी खासी डबल होते हुए दिखी है। और ये शेयर्स अभी चांसेस रह सकती है कि और गजब जाएगी, बहुत ही तेजी में ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। क्यों? तो रीजन कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्वार्टर फोर की रिजल्ट आते हुए दिखी है, और क्वार्टर फोर की रिजल्ट कुछ ज्यादा ही मस्त आते हुए दिखी है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा फ्लो देखने को मिला, और यहाँ पे इसी चीज को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करने से पहले कुछ और ही चीज बता देना चाहूंगा, जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर्स है उन लोग के लिए खुशखबरी है यार। यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड कितनी 5.50% तक की रुपीज की डिविडेंड आते हुए दिखी है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है और आप लोग के लिए खुश भरी बात है। यहाँ पे 24th को यहाँ पे एनुअल मीटिंग होने का बात है, 27th को यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होने का बात चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है अभी के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो। अब मेन क्वार्टर रिजल्ट के साइड बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ईयर की है, मेरे माउस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये ईयर की है और ये क्वार्टर की है, ये सारी फिगर्स इन लैक्स है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दे सकते हैं, अभी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, यहाँ पे टोटल इनकम सबके साइड ध्यान दें, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग ITC सबका क्वार्टरली रिजल्ट देखते होंगे, वहां से ये पूरी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका एक अलग ही फॉर्मेट होता है बनने का, तो उस चीज को समझना है हमें। पर उससे पहले आप लोगों को कुछ और मेन इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, इंटरेस्ट अर्न के साइड बात करें तो पुराने टाइम से क्वार्टरली रिजल्ट से ही बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिली है। देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंस देखने को मिली, और इनफैक्ट अगर बात कर ले ईयरली में तो उसमें तो और भी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पे बात करें टोटल इनकम के साइड बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ पे 27 थी, मैं पूरी फिगर नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो और भी ज्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको भी कंफ्यूजन होएगा नंबर से। मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से टोटल इनकम है। मेरा माउस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ह्यूज डिफरेंस होने दिखती है, 29 की इस बार होते हुए दिखी और पहले 27, उससे पहले 99 और उससे पहले 81 ईयरली की बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कितना मेजर डिफरेंस बनते हुए दिख रहा है, और उससे बड़ी मेजर डिफरेंस तो उसके पहले वाले ऑडिटिंग टाइम पीरियड पे थी, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 27, तो बहुत ही मेजर डिफरेंस बनते हुए दिखाया है। यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और टोटल एक्सपेंडिचर सबके साइड, तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि किस तरीके से बनते हुए दिखा है, खुद देख सकते हैं नंबर में किस तरीके से बढ़ोतरी होते हुए दिखी, और बहुत ही अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साइड बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साइड से, पर ऑफ कोर्स आपको जल्दी ही ये ऊपर भी जाते हुए दिखेगी, क्योंकि ये ईयरली वाइज में ध्यान दे तो क्या गजब की तेजी बनती हुई है। मतलब तेजी तो बहुत ही अच्छी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबके साइड ध्यान दे तो, और अभी चांसेस रह सकती है प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट यहाँ पे पूरी चीज को लेके प्रॉफिट सबके साइड बात करें तो यहाँ पे बहुत ही मेजर डिफरेंस होते हुए दिख रही है, 58-66 बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली वाइज में बात करें तो बहुत ही मतलब अच्छा आसमान जमीन का अंतर बना दिया है, और जिसके चलते ही मुझे ऐसा न्यूज देखने को मिल रहा है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे 140% जंप, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। इनफैक्ट ये जल्दी ही और भी ऊपर जाने का चांसेस बना रही है। ईपीएस सबके साथ बात करें तो देख सकते हैं ईपीएस कैसे बनते हुए दिखी है। ईपीएस 9.23, बहुत ही अच्छा फ्लो देखने को मिला है। अगर ईयरली वाइज से टोटली बात करें हम लोग, ईयरली वाइज से जस्ट मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली वाइज में हम लोग बात करें तो 27.28, बहुत ही अच्छी ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अर्निंग पर शेयर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल अच्छे तरीके से बात करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खोज पोच मतलब क्या चाट मसाला बन गया था, जिसको भी पता होगा वो ऑफकोर्स कमेंट करके बताएगा, थोड़ा सा चाट मसाला टाइप का बन गया था। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर एंड क्लियर हम लोग बात कर लेते हैं। रेवेन्यू में देख सकते हैं अच्छी तेजी बनते हुए दिखी, और यहाँ पे अगर बात करें नेट प्रॉफिट में भी अच्छी, यहाँ पे 38 यहाँ पे 47, अच्छी तेजी बनते हुए दिखी है। टोटल एसेट के साइड भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हुए दिखा है, मतलब आपको ऑलमोस्ट अगर बात करें तो पहले के टाइम से एक अच्छा फ्लो देखने को मिला है शेयर्स में, और शेयर्स में भी और क्वार्टरली रिजल्ट में भी। तो आपको आराम से चांसेस बन सकता है, जो अभी के टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने की बात कर रही है वो चांसेस रह सकती है कि यहाँ इस पॉइंट पे जाके ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। और अगर बाइंग अच्छी खासी होती हुई दिखे तो यहाँ पे पूरा का पूरा चांसेस बनता है ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट का बनने का चांस बनता है तो आपको पता है आपके प्रॉफिट बनने का चांस बनता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कुछ इंप्रूव करना होगा तो उसके लिए कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।